तुम्हारी इतनी हिम्मत लाखों साल पहले जब यूनिवर्स 18 एग्जिस्ट करता था उस वक्त यूनिवर्स 18 का सबसे पावरफुल गॉडेस डिस्ट्रक्शन जिसे मेगावर्सल गॉडेस भी कहा जाता था वो सीरस थी और वो यूनिवर्स 16 के सबसे पावरफुल प्रीस्ट को भी हरा चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक सीरस को यूनिवर्स 7 के प्लैनेट वेजिटा पर नजर पड़ती है और वो सोचती है ये साइंस अपनी थोड़ी सी पावर बढ़ाने के लिए आखिर कितना ज्यादा मेहनत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक पावरफुल गार्ड सीरस पर की ब्लास्ट से अटैक कर देता है और तभी वहां पर बार्डोक आ जाता है और उसकी ब्लास्ट को रोक लेता है। सीरस ये देखकर के बहुत ही हैरान हो जाती है, आखिर इस मॉडल में इतनी ताकत थी कि वो उस अटैक को रोक सके और उस हमले से तो मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, आखिर तुम हो कौन? बार्डोक बोलता है मैं हूँ बार्डोक और फिर ये बोल करके बार्डोक नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीरस बार्डोक को दूसरी दुनिया में ले जाती है और उसे एक रिकवरी चैम्बर में बंद कर देती है ताकि बार्डोक पहले जैसा हो सके। फिर हम देखते हैं कि बार्डोक उन साइंस की लड़ाई को याद कर रहा था कि कैसे वो ईवल साइंस बार्डोक पर हमला करने के लिए आ रहे थे और अपने ही लोगों को उसे मजबूरन मारना पड़ रहा है। फिर अचानक से बार्डोक को होश आता है और वो बोलता है ये मैं कहाँ हूँ, आखिरी बार तो मैंने उस हमले को रोका था, लेकिन रुको जरा वो लड़की कहाँ है? फिर सीरस बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ तुम आखिर इतने ताकतवर हमले को कैसे रोक पाए? इस पर फिर बार्डोक कहता है हम सैयंस हैं और हमारी ताकत की कोई लिमिट नहीं होती है, हम लड़ते हैं और अपनी ताकत बढ़ाते हैं। वैसे वो था कौन जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? इस पर सीरस कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तुम पूरी तरह से अब ठीक हो चुके हो। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, सीरस बार्डोक को बुलाती है। बार्डोक, बार्डोक कहता है क्या हुआ? सीरस बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। बार्डोक ये सुनकर के शॉक हो जाता है। फिर बार्डोक बोलता है तो क्या हुआ? इस पर सीरस कहती है ये हमारे नियम के खिलाफ है। इस पर बार्डोक कहता है कैसा नियम? फिर सीरस बताती है कि वो एक सबसे पावरफुल गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है और एक डिस्ट्रक्शन बनने के लिए इन सभी का त्याग करना पड़ता है। फिर वो दोनों ये फैसला लेते हैं ये बात वो किसी को भी नहीं बताएंगे। इन दोनों को ये बात पता नहीं था, ये दोनों एक बात से अनजान थे कि ज़ेनोसोमा एक बहुत ही बड़ा फैसला ले चुके थे, वो इस पूरे मल्टीवर्स से 6 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इरेज करने वाले थे। फिर हम देखते हैं कि सीरस उस बच्चे को जन्म दे देती है और उस बच्चे का बालों का रंग सादा होता है। बार्डोक उस बच्चे का नाम कैकारोत्तो रखता है। फिर हम देखते हैं कि हमें ज़ेनोसोमा का पैलेस दिखाया जाता है और उन 6 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ बुलाया गया था। ज़ेनोसोमा काफी गुस्से में होते हैं और वो बोलते हैं तुम लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और तुमने मल्टीवर्स के रूल को तोड़ा है, तुम्हारे वजह से इस पूरे मल्टीवर्स का संतुलन बिगड़ चुका है, मेरे पास तुम्हें खत्म करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। हम देखते हैं कि ज़ेनोसोमा एक एक करके सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इरेज करता जाता है। फिर हम देखते हैं कि सीरस को ये बात पता चल जाता है। सीरस ये बात जान जाती है कि ज़ेनोसोमा उन 6 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इरेज करने वाला है और वो बताती है कि हम चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा जिसका नाम कैकारोत्तो रखा गया था वो रोने लगता है और उसके रोने से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगता है। उस बच्चे की ताकत बहुत ज्यादा होती है और उन सभी मेगावर्सल गॉड की शक्ति भी उनके सामने कुछ नहीं थी। ये देखकर फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं आखिर ये हो क्या रहा है, सारे के सारे मल्टीवर्स कांप क्यों रहे हैं? और इधर हम देखते हैं कि बार्डोक मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अनलॉक कर चुका था। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं मुझे इसका पता लगाना होगा। इस पर ज़ेनोसोमा कहते हैं ये पावर सीरस की है, ऐसा लग रहा है कि उसकी ताकत से ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। फिर हमें सीरस को दिखाया जाता है। सीरस बोलती है मैं खुद को सेक्रीफाइस कर दूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती ज़ेनोसोमा हमारे बच्चे को मार दे, क्योंकि ज़ेनोसोमा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि सीरस मीरस के पास जाती है और बोलती है तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखना मीरस, और हाँ याद रहे इसकी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अभी से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो इसे अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीखना होगा और तुम इसमें हमारी बहुत मदद कर सकते हो मीरस, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर मीरस कहता है आप चिंता ना करें अब ये मेरा कर्तव्य है। फिर हम देखते हैं कि सीरस और बार्डोक एक ठंड वाली प्लेनेट पर चले जाते हैं, वो अपने बच्चे से काफी दूर होते हैं ताकि ज़ेनोसोमा उनके बच्चे को मार ना सके। इधर ज़ेनोसोमा कहते हैं मैं जानता हूँ कि ये सीरस की शक्ति है, लेकिन उसके साथ एक और भी है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन दोनों को मार दूंगा। फिर हम देखते हैं कि ज़ेनोसोमा और बाकी 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस प्लेनेट को ढूंढ लेते हैं जहां पर सीरस और बार्डोक होते हैं। उसके बाद फिर ज़ेनोसोमा बार्डोक से कहते हैं ओह तो ये तुम हो, लेकिन तुम तो एक सैयन हो और तुम इतने ताकतवर आखिर कैसे हो सकते हो? खैर कोई बात नहीं,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो यहाँ पर करने के लिए आया हूँ वो तो मैं करके ही जाऊँगा। इस पर बार्डोक कहता है, मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा, चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। इस पर ज़ेनोसोमा कहते हैं, तो अब एक सैयन मुझे मारने की धमकी दे रहा है, तुम मेरे पास तक नहीं आ सकते, नहीं तो ये सारे गॉड्स तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर देंगे। और हाँ, तुमने हमारे नियम को तोड़ा है सीरस, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है, तुम्हें मरना होगा। इस पर फिर बार्डोक कहता है, कोशिश करके देख लो। फिर ज़ेनोसोमा अपने सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बोलते हैं, खत्म कर दो इन्हें। हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस सबसे पहले आगे जाते हैं और बोलते हैं, इस सैयन को तो मैं अकेले ही खत्म करूंगा, वैसे भी इन सैयन को एक गॉड की इज्जत करनी नहीं आती। इस पर फिर बार्डोक कहता है, कोशिश कर देख लो गॉड्स। फिर बार्डोक सुपर सैयन में बदल जाता है। लॉर्ड बीरस कहते हैं, ओह तो तुम्हारे पास एक फॉर्म भी है, चलो कोई बात नहीं, तुम में जितनी भी ताकत है तुम अपनी पूरी ताकत से हमला करो। फिर बार्डोक सुपर सैयन फॉर्म में ही बीरस पर एक जोरदार पंच मारता है। बीरस थोड़ा दूर चला जाता है और बोलता है, आखिर इस सैयन में इतनी ताकत कैसे हो सकती है, ये लोग तो काफी कमजोर होते हैं, चलो कोई बात नहीं, मुझे इसमें मजा आएगा, शायद ये उन सभी सैयन में सबसे ज्यादा ताकतवर सैयन है, चलो कोई तो मिला जो मेरी टक्कर का है। इधर हम देखते हैं कि सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलकर सीरस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत सीरस के सामने कुछ भी नहीं थी, वो उसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है और ज़ेनोसोमा को बोलती है, अब बहुत हो गया ज़ेनोसोमा, अगर आप मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करेंगे तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। इधर हम देखते हैं कि बार्डोक सुपर सैयन 3 में बदल जाता है। इस पर लॉर्ड बीरस बोलते हैं, इस सैयन में जरूर कुछ तो बात है, ये एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे रहा है, मैंने अब तक अपना 50% शक्ति का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी शक्ति और बढ़ानी पड़ेगी। तो ठीक है सैयन, तुम तैयार हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वीरस अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है। बार्डोक कहता है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। ओह तो तुम्हें सच में ऐसा लगता है, तो अब तुम मेरे इस हमले का सामना करके दिखाओ। वीरस बार्डोक पर एक बहुत बड़ी की ब्लास्ट से हमला कर देता है। बार्डोक उस हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। फिर लॉर्ड बीरस अचानक से बार्डोक के पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम बेवकूफ हो सैयन। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, और धमाके के हटने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी नहीं होता। फिर बीरस कहता है, इस मॉर्टल को क्या लगा था कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा देगा, एक मॉर्टल की इतनी हिम्मत। खैर, अब इस प्लेनेट वेजिटा का सबसे ताकतवर सैयन मारा गया, तो अब मैं उस प्लेनेट को धूल में बदल दूंगा। फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है, क्या सच में तुम मेरे रहते ऐसा कर पाओगे। बीरस शॉक हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि बार्डोक एक न्यू फॉर्म में होता है। इस पर बीरस कहता है, ये नहीं हो सकता, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे हकाई से आखिर कैसे बच गए, लेकिन ये कैसे हो सकता है, इस फॉर्म को तो अब तक मैंने भी मास्टर नहीं किया है। हम देखते हैं कि बार्डोक मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बीरस के सामने खड़ा होता है और वो अचानक से बीरस के पास आ जाता है। बीरस उसे देख तक नहीं पाता। फिर बार्डोक बीरस को एक जोरदार पंच मारता है। बीरस बिल्कुल ही अधमरा सा हो जाता है। फिर बार्डोक कहता है, मैंने कहा था तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। बीरस कहता है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है सैयन। हम देखते हैं कि बीरस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। Ha 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 ha!